दोस्तों 2019 में एक से बढ़कर एक मूवी आ रही है, लेकिन 2019 में एक ऐसी फिल्म है जिसके सॉन्ग के लिए कुछ ज्यादा ही इंतजार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की बात कर रहे हैं। दोस्तों स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के सॉन्ग कई बड़े रिकॉर्ड बनाने के साथ ही पूरे इंडिया में छा जा सकते हैं, और इसकी कई सारी वजह है। दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मूवी सॉन्ग है टाइगर जिंदा है के, जो है दिल दिया गल्ला और स्वैग से स्वागत। और टाइगर जिंदा है में सॉन्ग्स दिए थे विशाल शेखर ने, जो अब टाइगर जिंदा है के बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में सॉन्ग्स दे रहे हैं। दोस्तों सलमान खान की फिल्मों में सॉन्ग्स देने वाले विशाल शेखर टाइगर की फिल्मों में अब सॉन्ग्स देते दिखेंगे, तो ऐसे में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के सॉन्ग्स में कुछ अलग ही बात होगी। और दोस्तों क्योंकि फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल है, तो ऐसे में जहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हमें 6 से 7 शानदार सॉन्ग सुनने को मिले थे, तो इसमें जाहिर है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी आपको 5 से 6 शानदार बेमिसाल सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। और दोस्तों क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर है, जो अपनी फिल्मों में सॉन्ग्स को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं, तो दोस्तों ऐसे में 2019 की फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के सॉन्ग कुछ खास होंगे। दोस्तों जहाँ इंडिया की सबसे बड़ी मूवी सॉन्ग्स को देने वाली जोड़ी है विशाल शेखर, जो अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में सॉन्ग्स देते दिखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ऋतिक वर्सेस टाइगर में भी आपको विशाल शेखर ही सॉन्ग्स देते दिखेंगे, तो ऐसे में 2019 में टाइगर की दोनों फिल्मों के सॉन्ग्स खास होंगे। और सलमान खान की 2019 भारत में भी आपको विशाल शेखर सॉन्ग्स देते दिखेंगे। दोस्तों सलमान खान की फिल्मों में कमाल के सॉन्ग देने वाले विशाल शेखर अब 2019 में सलमान खान की एक फिल्म और टाइगर की 2 फिल्मों में सॉन्ग देते दिखेंगे। और दोस्तों आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं खासकर फिल्म के सॉन्ग्स के लिए, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।